ओके स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जियोग्राफी का फिफ्थ लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, मिनरल्स एंड ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, आज हम ये लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका पार्ट वन है, ठीक है। और पहले हम आपको लेसन के बारे में बताएंगे। खनिज क्या होता है? खनिज वह होता है जो हमें धरती के भूगर्भ से मिलता है, मतलब कि धरती के अंदर से मिलता है। जैसे हमने सुना होगा, साइंस का एक वर्ड है जीवाश्म, ठीक है। हमने सुना होगा 100 साल पहले या 200 साल पहले लगा लो, 400 साल पहले लगा लो, डायनासोर होते थे इस धरती पे, ठीक है। डायनासोर होते थे, और आज के वो पता क्या हुआ, उस टाइम ऐसा सिस्टम हुआ था कि वो सारे धरती के नीचे दब गए थे, मतलब कि मिट्टी में दब गए थे, ठीक है। और जो ठीक है, तो मतलब कि वो डायनासोर उसमें दब गए थे। अर्थक्वेक आया था, कुछ लोग कैसे बताते हैं, कुछ लोग क्या बताते हैं, ठीक है। मतलब कि अर्थक्वेक क्या आ गया था, जैसे फिर हमने वो हिस्ट्री में पढ़ा होगा, सिंधु सभ्यता पढ़ी थी, उसमें क्या हुआ था, जो बांध था वहाँ पे सिंधु घाटी के, जो सिंधु नदी के किनारे, वो टूट गया था, तो वो सारा सिस्टम वहाँ पे दब गया था, जो कि उनके घर थे। तो आज के टाइम में उनको निकाला जा रहा है खोद खोद के, कुनाल, हमारे हरियाणा में कुनाल हो गया, बनावाली हो गया, राखी गढ़ी हो गया, यहाँ निकाला जा रहा है जैसे, ठीक है। उसके बाद जैसे उसको बोलते हैं खनिज, ठीक है। और जो वो पहाड़ों से मिलते हैं, हम मतलब कि चट्टानों से मिलते हैं, चट्टानों में से जब चट्टानें तोड़ जाती हैं, उनमें से निकलते हैं कुछ खनिज, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, ये होते हैं खनिज, ठीक है। उसके बाद है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन क्या होता है? संसाधन मैंने तुम पहले बता रखा है कि संसाधन क्या होता है, जो हमारी आवश्यकता को पूरा करते हैं। ऊर्जा क्या होती है? जो हमारी ऊर्जा को देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने भूख लगी है तो हम क्या करेंगे, खाना खाएंगे, हमें ऊर्जा मिल जाएगी। ऊर्जा मिलने के बाद हम कोई भी काम ढंग से कर सकते हैं, ठीक है। यदि हम खाना नहीं खाएंगे, हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो हम हमारा सिर मरीज हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएंगे, बुखार हो सकता है, कोई बीमारी लग सकती है हमें खाना नहीं खाएंगे तो, ठीक है। तो हमारा काम, हमारा जो बॉडी बॉडी सिस्टम है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ऊर्जा संसाधन क्या होता है? जो जो हमें ऊर्जा देते हैं संसाधन, वो होते हैं। जैसे हमें मान लो सर्दी लग रही है, सर्दी लग रही है तो हमें आग सेकनी पड़ती है, ठीक है। आग सेकनी के लिए आप आग जलानी पड़ेगी, आग जलाने के बाद उससे जो ऊष्मा प्राप्त होगी, ठीक है, ऊष्मा लेंगे हम, आग सेकेंगे, उसके बाद हमें ऊर्जा मिलेगी, वो होती है ऊर्जा, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम खनिजों का महत्व। अब खनिजों का महत्व क्या है? खनिजों का महत्व सीधी सी बात है, खनिजों का महत्व यही है कि इससे हम देखो, फॉर एग्जाम्पल हमें बाइक चलानी है, हमारे घर पे बाइक है, ठीक है। बाइक में क्या डलता है? पेट्रोल डलता है। यदि पेट्रोल नहीं होगा तो बाइक नहीं चलेगी, ठीक है, कोई इनकी बाइक नहीं। जब मान लो रोड पे जा रहे हम, रोड में पेट्रोल खत्म हो गया, रोड पे जाते जाते तो हमें पैदल जाना पड़ेगा, ठीक है। तो पेट्रोल की जरूरत, इसलिए हमारे ये महत्व है। उसके बाद आ गया मान लो सौर ऊर्जा है, जिससे हमें विटामिन डी मिलता है, ठीक है, ये भी एक प्रकार का खनिज है, ठीक है। विटामिन डी मिलता है, विटामिन डी मिलता है जिससे मान लो जिस कोई ऐसा वो रोग है, जिस बंदे को, किसी बंदे को जिस जो रोग है वो विटामिन डी से दूर हो सकता है, तो विटामिन डी लेने के लिए वो सूर्य के नीचे, मतलब कि सूर्य की प्रकाश में बैठेगा, उसको विटामिन डी मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको इसके लिए, इसलिए महत्व है, इसलिए ये महत्व है खनिजों का, ठीक है। उसके बाद खनिजों के प्रकार, अब खनिजों के प्रकार कितने होते हैं ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। पहले है लौह खनिज तथा अलोह खनिज। सीधी सी बात है, लौह खनिजों में देखो, नाम में लिखा हुआ है लौह, मतलब कि लौह मतलब लोहा, आयरन, जिसको हम इंग्लिश में लोहे को आयरन बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो रासायनिक नाम, या उसको बोलें जो केमिस्ट्री, या उसमें बोलें तो Fe बोलते हैं लोहे को, ठीक है। उसके बाद आ गया लौह खनिज। क्या लौह खनिज में क्या होता है? लोहे का अंश पाया जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है? लोहा, मैगनीज, निकल, कोबाल्ट आदि खनिज शामिल होता है, ठीक है, ये इधर रखना। उसके बाद आ गया अलोह खनिज, इसमें लोहे का अंश नहीं होता, सीधी सी बात है, देखो ए लगा हुआ है, मतलब इसमें नहीं होगा, ये तुम सीधा तुम खुद ही बना सकते हो। इसमें कहते हैं इनमें तांबा, शीशा, सोना शामिल होते हैं, ये खनिज इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया ऊर्जा के परंपरागत संसाधन, इसमें कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आदि लिए जा सकते हैं, ठीक है। इसमें कहते हैं कोयला होता है, कोयला आप जो पहले के टाइम में घर पे जलाते थे, कोई लकड़ी, तो लकड़ी नहीं होती तो क्या, कोयले पे सब कुछ सब्जी वगैरह बनाई जाती थी, ट्रेनें चलती थी, इंजन चलते थे, पुराने अंग्रेजों के टाइम में लोहे के जो कोयले पर ही सारे ट्रेनें चलती थी, ठीक है। और तेल क्या हो गया? प्राकृतिक गैस, जो जैसे केरोसिन का तेल लगा लो, पेट्रोल लगा लो, ये तेल होते हैं सारे, ये भी हमें एक ऊर्जा के परंपरागत संसाधन होते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी खर्चीले होते हैं। काफ़ी खर्चीले कैसे होते हैं? मान लो जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल होता है, ये पहले से एक सिंपल तेल होता है, सादा तेल होता है, इसमें फिर कुछ चीज़ें ऐसी मिला जाती हैं जिसके बाद ये पेट्रोल बनता है, ठीक है। और अब मान लो उसको हम धूप में से छोड़ देना पेट्रोल को, तो सारा उड़ जाता है हवा में,
ऐसी चीज़ें मिला जाती हैं, इसलिए वो टैंक की पूरा ढक्कन सा लगाता है ताकि उड़े ना वो। ठीक है, उसके बाद आ गया गैर परंपरागत संसाधन। इसमें क्या होता है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जवारी ऊर्जा आदि। ठीक है, अब सौर ऊर्जा क्या होती है, सौर ऊर्जा भी मैं बता चुका हूँ, जो सूर्य से मिलती है। ठीक है, विटामिन डी हो गया, सौर ऊर्जा मिलती है सूर्य से, मतलब कि वो तो हमारे हमारे लिए जरूरी है, लेकिन सौर ऊर्जा जो की होती है आज के टाइम में, हमें देखते हैं घर में प्लेटें से लगी होती हैं घर पे छत होकर। ठीक है, जो सौर ऊर्जा प्राप्त करने के बाद वो बैटरी को चार्ज करती है, बैटरी चार्ज करने के बाद हम घर में पंखा चला सकते हैं, कुछ भी चला सकते हैं, जो हमारी आवश्यकताओं पूरा करता है। ठीक है, उसके बाद आ गया पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा क्या होती है, कुछ राजस्थान और वहाँ पे गुजरात एरिया में क्या करते हैं, ऐसी पवन चक्की लगी होती है ऐसे करके, उनके पंख से होता है ऐसे, जैसे पंखा होता है ऐसे लगी होती है, वो घूमती रहती हैं। ठीक है, फिर इनके नीचे से तारे लगाई जाती हैं, यहाँ पर टर्बाइन वगैरह का लगाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, बिजली पैदा करते हैं, जिससे क्या होती है, बिजली पैदा होती है, या फिर इससे जो हवा होती है, हवा से पवन ऊर्जा, जंगल की हवा होती है, पवन को आयर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जवारी ऊर्जा। जवारी ऊर्जा क्या होती है, ज्वार, ज्वार मतलब, अब एक तो वो ज्वार होती है जो खेतों में उगाई जाती है, वो ज्वार नहीं है यहाँ पे, ज्वार वो होती है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल समुद्र है, समुद्र में जो लहरें उठती हैं बड़ी बड़ी ऐसे करके, बहुत बड़ी बड़ी, ठीक है, उनको बोलते हैं ज्वार। ठीक है, जब वो लहरें एकदम से ऐसे नीचे आती है ना, जब नीचे टकराती हैं, तो उनके नीचे कुछ चीज़ें लगाई जाती हैं ऐसे, कोई टर्बाइन वगैरह कुछ बिजली पैदा करने के लिए लगाए जाते हैं, जो उस पर दबाव डालते हैं ना, उसके बाद जाके वो एक ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसको बोलते हैं ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा। ठीक है, और ये कम खर्चीली होती है। अब सौर ऊर्जा है, इसमें कोई खर्चा होता है, बस वो प्लेट लगाओ और वो जब तक सूर्य रहेगा हमें ऊर्जा मिलती रहेगी। ठीक है, और उसके बाद पवन ऊर्जा, एक ये लगाना है पंखा सा और टर्बाइन लगाना है, उसके बाद मिलती रहेगी, लेकिन इसमें बहुत कुछ खर्चा करना पड़ता है, इनमें टाइम में बहुत लगता है, इसमें कोई टाइम नहीं लगता। ठीक है, ये बात होती है, ये कम खर्चीले होते हैं, ये बहुत खर्चीले महंगे होते हैं। उसके बाद आगे वाणिज्य था, अवाणिज्य कारखानों में प्रयोग होते हैं, ये कारखानों में, कारखाने मतलब कि उद्योग, बड़े बड़े उद्योग होते हैं उनमें प्रयोग होते हैं, जैसे प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस मतलब कि जो प्रकृति से हमें गैस मिलती है वो प्रयोग की जाती है इसमें। ठीक है, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, जैसे मान लो कोई मशीन है में क्या उद्योग में, जो क्या किस पे चलती है, कोयले पे चलती है। ठीक है, पेट्रोल कुछ मशीनों में पेट्रोल भी डाला जाता है, कुछ जनरेटर हो गया उसमें पेट्रोल डाला जाता है ना, डीजल डाला जाता है। ठीक है, उसके बाद जल विद्युत, जल विद्युत, जल से हमें विद्युत प्राप्त करते हैं, विद्युत मतलब कि बिजली प्राप्त करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और घरों में प्रयोग, जो अवाणिज्य होते हैं घरों में प्रयोग होते हैं, लकड़ी, खेती का कूड़ा करकट, फॉर एग्जाम्पल हम जब ठंड आती है, ठंड के मौसम में क्या करते हैं, अब आने वाली है आगे ठंड, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो गीजर होते हैं, गीजर में हम कूड़ा करकट, घर का जो सामान इकट्ठा होता है कूड़ा करकट वाला, वो उसमें डाल देते हैं, तो एक प्रकार का वो अवाणिज्य खनिज हो गया। ठीक है, लकड़ी होगी, लकड़ी से हम जलाते हैं, उसको आग सेकते हैं, आग सेकने के बाद खाना वगैरह, रोटी वगैरह उस पर बनाते हैं। ठीक है, हो गया, ठीक है, ये हो गया अवाणिज्य खनिज। उसके बाद कोयले के प्रकार, अब कोयला दो प्रकार का होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक होता है एंथ्रेसाइट कोयला तथा बिटुमिनस कोयला। ठीक है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूरी लाइफ के लिए और 10th के लिए तो है ही। क्यों है, बाकी पढ़ते हैं। 80% से ज़्यादा कार्बन पाया जाता है इसमें, 80% से ज़्यादा इसमें कार्बन पाया जाता है, इसमें क्या है, 60 से 80% कार्बन पाया जाता है इसमें। ठीक है, इससे ज़्यादा, इसमें ज़्यादा पाया जाता है, इससे 60 से 80% पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आ गया अच्छी किस्म, ये अच्छी किस्म का कोयला होता है, जो एंथ्रेसाइट कोयला होता है, और ये थोड़ा सा कम होता है इससे, ये बढ़िया किस्म का माना जाता है कोयला। ठीक है, उसके बाद आ गया कठोर था काला, काला ये क्या होता है, ये कठोर होता है, तो मतलब कि पूरा हार्ड होता है, और ये काले का रंग, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, उसके बाद ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जो आज के टाइम में हमारा क्या है, यूनिटरी स्टेट मतलब कि वो केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद आ गया यह कोयला कम उपयोगी है, इतना उपयोग नहीं लाया जाता जितना ये प्रयोग में आता है। उसके बाद आ गया झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये तीन क्षेत्रों में पाया जाता है, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये हमारा पूरा लेक्चर हो गया। ठीक है, उसके बाद बोर्ड थोड़ा सा छोटा था इसलिए हम लिख नहीं पाए, दो पॉइंट और रहते हैं इसमें, प्राकृतिक गैस और बायोगैस। प्राकृतिक गैस कौन सी होती है, प्राकृतिक गैस जो हमें प्रकृति से मिलती है, जैसे गैसें होती हैं, हमने कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ऑक्सीजन हो गया, मतलब ये जैसे प्रकार की गैसें होती हैं। ठीक है, जो जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल के ऊपर जो पेट्रोल, मान लो ये धरातल है, ठीक है, इसमें क्या है, ये सारे जहाँ पे पेट्रोल है, पेट्रोल के ऊपर जो गैस होती है ना घूमती रहती है नीचे धरती में, तो उसको बोलते हैं पेट्रोलियम, जो प्राकृतिक गैस। उसके बाद आ गया बायोगैस, बायोगैस कौन सी होती है, जो जब घर में गोबर गैस वगैरह लगा, जो गोबर गैस का सिस्टम घर पर बनाते हैं, गोबर डालते हैं उसमें जो गैस बनती है, जो हम घर पर फिर उसको ज्वलन क्रिया के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं बायोगैस, जो प्रकृति से हमें नहीं मिलती बल्कि हमें खुद बनानी पड़ती है, गोबर डाल के या कूड़ा करकट डाल के, मानव के मलमूत्र से बनता है, बहुत कुछ में मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, ये है। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को। और अब यदि आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करें, और नए जो बंदे हैं, नए लोग हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं हमारे इस चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।